Yes, so welcome to my most popular class, which is the hot chocolate stirrers. सब बहुत वेट कर रहे थे कि ये क्लास किस तरह से होगा, क्या कैसे बनता है. तो आज जो भी हम आज सीखेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. तो आपको मैं पहले पहले अच्छा मेरी क्लास आज इंग्लिश और हिंदी दोनों होगी. मेरे पास आज है हैदराबाद. आई फॉरगॉट वेयर आर यू फ्रॉम वर्षा. कर्नाटका. ओके, सो आई हैव हैदराबाद कर्नाटका. मनशील वेर आर यू फ्रॉम. नासिक, सॉरी. देन आई हैव शारजा, आई हैव पानीपत, आई हैव मुंबई, आई हैव कानपुर एंड आई हैव वन मोर कमिंग फ्रॉम दुबई. सो वी आर एट ऑफ अस टुडे. ओके, ऑल डिफरेंट सिटीज, नो रिपीट. या सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम लोग शुरुआत करेंगे चॉकलेट से. सो बेसिकली आई जस्ट नीड टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये हॉट चॉकलेट स्टरर्स होता क्या है. ओके, सो टुडे वी कंक्लूडेड आर हॉट चॉकलेट स्टरर क्लास. सो दिस इज हाउ वी मेड 12 वेरिएशंस इन आर स्टरर्स. टू बिगिन विथ, वी फर्स्ट स्टार्टेड विथ आर कोलंबियन कॉफी. दिस वॉज अ कोलंबियन कॉफी विच आई विल बी शोइंग यू हाउ विल वी मेल्टेड इन आर हॉट मिल्क. ओके, सो वी कैन जस्ट डिप इट इन एंड स्टार्ट स्टरिंग. इसको एटलीस्ट 1 मिनट स्टर करना है. ओके, तो कीप स्टरिंग इट फॉर 1 मिनट टिल इट कम्प्लीटली डिजॉल्व्स. देन वी डिड आर, इसको मैं मिक्स करते करते आपको दूसरे दिखा रही हूँ. ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट, जो मैंने आपको पैकिंग भी दिखाई किस तरह से आप इसको पैक करोगे. देन इज योर ओरियो, दैट्स योर ओरियो एंड व्हाइट चॉकलेट ओरियो स्टर. देन इज आर बिस्कॉफ. बिस्कॉफ में भी दो लेयर्स करके बिस्कॉफ स्प्रेड, क्रंच एक्चुअली एंड द बिस्किट्स दोनों डाले हैं मैंने. फिर ये आपका न्यूटेला विथ हेजल नट्स. या देन इज योर केक, विच इज ऑप्शनल बट आई जस्ट शोड यू द टेक्निक ऑफ हाउ टू डू द केक लेयर्ड. देन इन योर ट्रेडिशनल वी डिड आर थंडाई. This is your thandai pistachio with rose. So that's your thandai stirrer. This is your rasmalai with pistachio and rose. One side pistachio, one side rose. Then is our dry fruit. This is your dry fruit masala with all the mixed dry fruits on top. Then we did our matcha with cheesecake. So it's a matcha cheesecake stirrer. And lastly is your bubblegum. Okay, that's your bubble gum. I showed you the packaging even in a hamper style in a mug. Now that's your coffee. Now once you keep mixing it, totally it should dissolve. Your spoon should come out clean. तो पूरी आपकी चॉकलेट मेल्ट हो गई. इसमें आपका कॉफी, चॉकलेट और वो जो हमने क्रम्स डाले थे चॉकलेट के, वो आ गया इसमें. And then you can drink it as it is hot. Or you can just chill it and have it cold also as a cold coffee. Okay, so that's.